नमस्कार दोस्तों, अभी देखिए ये बाथरूम अपना, ये अपना वॉल हैंगिंग कमोड लगा है फिलहाल। देखिए अपना हैंड पोसेट भी लगा है और अपना प्लस वाल भी लगा है। इसमें क्या दिक्कत था पहले, जो पहले क्या दिक्कत था, अभी क्या दिक्कत है, पूरा डिटेल के साथ आपको बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखें। अभी शुरू से दिखाते हैं आपको कैसे पहले बाथरूम था, पहले कैसा था, अभी कैसा है। अभी देखिए ये बाथरूम में क्या दिक्कत है, अभी जो आप फिलहाल हो, जो आप वीडियो देखे हैं पहले वाला, अभी ये फर्शी लगने के बाद है, जो फिलहाल अभी अपना जो काम चल रहा है, काम होने के बाद फर्शी लगने के बाद वो दिखाया गया है आपको। अभी इसमें क्या दिक्कत है, दूसरा कोई काम किया है इसमें, अपना सब कुछ पॉइंट मेजरमेंट सही है, और क्या दिक्कत है इसमें। एक्चुअली ये पॉइंट बाद में बना है फर्शी लगने के बाद। अभी क्या हुआ, एक्चुअली जो आदमी दूसरा काम किया था, वो लॉकडाउन में गांव चले गए थे। अभी एक्चुअली अभी अपने को काम ये करना पड़ा 1.5 साल बाद। ये बाथरूम ऐसे कि वैसे था, इसमें पहले अपना केवल बाथरूम था। अभी इधर अपने को वालेंगी कमोड का भी पॉइंट दिया था पहले कोई, लेकिन वो चालू नहीं था। लॉकडाउन में आदमी काम किया और गांव निकल गया, तो इसीलिए पेंडिंग में पड़ा गया था। अभी इसमें क्या दिक्कत है, अभी जितना भी मसाला है ना, वो अपना फर्शी के लेवल हो गया है। फर्शी के लेवल हो गया तो इधर फर्शी नहीं लग पाएगा। अगर फर्शी लगेगा तो मसाला उसके लेवल है तो आधा इंची बाहर आ जाएगा, आधा इंची पौना इंची बाहर आ जाएगा फर्शी आपका। अगर इस हिसाब से अगर फर्शी लगेगा आप तो आपका कभी भी मसाला 1 इंची 1.5 इंची अंदर ही रहना चाहिए। कम से कम 1 इंची रहेगा तो आपका फर्शी लग जाएगा। कभी भी मसाला अगर फर्शी लगवाएं, काम हुआ है आपका, तो मसाला कम से कम 1 इंची 1.5 इंची अंदर ही रखना चाहिए। अभी देखिए इधर, अब इधर आप छीनी रख रहे हैं तो आधा इंची का गैप हो रहा है बीच में, आधा इंची का गैप हो रहा है, इधर फर्शी नहीं लग पाएगा अपना। अभी इतना गैप है, अभी इधर अपना कमोड का पॉइंट है, अभी पहले लाइट नहीं था, अभी लाइट आने के बाद ब्रेकर से तोड़ रहे हैं। अभी ब्रेकर से तोड़ के पूरा निकालने का अपने को, अभी सीट भी लगाने का है। वीडियो लास्ट तक देखें आप, सीट भी लगा के दिखाएंगे आपको पहले में अभी में क्या अंतर है। ये फर्सी वर्सी सब लगने के बाद सीट भी आपको लगा के दिखाएंगे इसी वीडियो में। मात्र 6 मिनट का वीडियो है, बहुत ही नॉलेज मिलेगा आपको। अगर हमारा इंस्टाग्राम पे आप अभी तक नहीं फॉलो किए हैं तो जाके फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। अभी ब्रेकर से चारों तरफ से तोड़ के फिर अपने को निकाल के, ये फर्सी वाले का काम नहीं है, प्लम्बिंग वाला का काम है। अभी चारों तरफ से मसाला निकाल रहे हैं, क्या होता है मसाला कभी भी मारे आप तो हल्का सा छोटा सा गलती है, लेकिन आपको दोबारा तिबारा काम करेगा करना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता है। अभी नीचे का हल्का हल्का तोड़ के और निकालने का है, और निकल गया अपना मसाला। अभी इतना कचरा निकला इस कमोड से,
कमोड के पॉइंट से अभी चारों तरफ से निकाल दिए। देखिए इतना गैप है चारों में, चारों तरफ इतना इतना गैप है। कभी भी एक इंची डेढ़ इंची डाउन ही रखें, डाउन रखेंगे तो कभी भी आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा फर्सी वाले को फर्सी लगाने समय। अभी फर्सी लगता है उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए अभी कमोड का फर्सी लग गया, आप कमोड भी लगा दिए, ऊपर अपना प्लस वाल हो गया, ये अपना कमोड हो गया, इधर अपना टू वे बी कॉक, अभी एक्चुअली ये पहले बाथरूम ही था, अभी वालेंगे कमोड का भी पॉइंट हो गया। इधर अपना सिलिकॉन भरे हैं, आप सिलिकॉन नहीं तो वाइट सीमेंट भी भर सकते हैं। पहले ही कभी भी आप ऐसा काम करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, हल्का भी मसाला कम ही डालें, मसाला कम को ऐसे इतना अपने को तोड़ना पड़ा, एक ही काम को डबल डबल करना पड़ा। अभी ऊपर अपना प्लस वाल हो गया, इधर वालेंगे कमोड हो गया, उधर अपना हैंड पोस्ट सेट हो गया। अभी अपना सीट कवर भी लग गया, ये ऑटोमेटिक प्रेस वाला सीट कवर है, इसको जैक वायर इसको कंपनी का है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, नेक्स्ट वीडियो में।